अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आर्किटेक्ट शुएब मलिक और आज की जो वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ, एक मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है जो कि गुजरात से चनाब रिवर जब आप क्रॉस करते हैं, वज़ीराबाद की तरफ आप जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के पास आपको रोड की राइट साइड के ऊपर नज़र आती है। तो ये जो मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है इसकी कंडीशन आप देख ही रहे हैं, ये बेसिकली डाक चौकी है जो कि शेर शाह सूरी के ज़माने के वक्त की है और इन डाक चौकियों के थ्रू शेर शाह सूरी जो था वो अपनी रियासत की मुतल्लिक जो इंफॉर्मेशन थी वो कलेक्ट करता होता था। नॉर्मली ये डाक चौकियाँ जो हैं ये आपकी जो सराय बनती थी उनके साथ बनती थी, लेकिन यहाँ पे किसी सराय के कोई आसार नहीं मिल रहे। इस वक्त ये जो चौकी की जो कंडीशन है वो आपके सामने ही है, काफ़ी जगह से इसकी हालत ख़राब हुई हुई है, लेकिन ये है कि इसको प्रिजर्व करने की भी कोशिश की गई है। इसके मतलब जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो फर्दर आप वीडियो देखें तो हम उसके अंदर बताते हैं। बरे सगीर में मुसलमानों का दौरे हुकूमत तकरीबन 800 साल का है, जिसमें मुगलिया ख़ानदान की हुकूमत बेशतर अरसा रही है। इस दौरे हुकूमत की निशानियां हमें पूरे बरे सगीर पाको हिंद में जगह जगह नजर आती हैं। मुगलों की तारीखी इमारतें फने तामीर की उम्दा मिसालें हैं। इनका आर्किटेक्चर इंतहाई दिलकश और आलीशान है। बरे सगीर की तारीख अजीम बादशाह शेर शाह सूरी के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती। इसकी हुकूमत मुख्तसर लेकिन अजीम थी। शेर शाह सूरी ने ही डाक का तेज तरीन निजाम बनाया और जगह जगह डाक चौकियां भी तामीर करवाईं। ऐसी ही एक डाक चौकी वजीराबाद के करीब भी वाकया है। ये डाक चौकी शेरशाह सूरी के दौर की निशानी है। ये इमारत वजीराबाद की जानिब जाते हुए नाला पलखू के जनूब में रेलवे स्टेशन के सामने वाक़े है। मज़ीद जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और शुएब मलिक यूट्यूब चैनल को लाइक करें। शेरशाह सूरी इन डाक चौकियों के ज़रिए अपनी रियासत की और इसमें पेश होने वाले वाक़यात की तमाम खबर रखता था। अक्सर देखने में आया है कि ऐसी डाक चौकियों के साथ सराय भी मुंसलिक होती है, लेकिन इस डाक चौकी के साथ सराय के कोई निशानात और असरात नज़र नहीं आते। पंजाब स्पेशल प्रेमिसेस प्रिजर्वेशन ऑर्डिनेंस 1985 के तहत इस तारीखी इमारत को स्पेशल प्रेमिसेस करार दिया जा चुका है। इस कानून के तहत ऐसी तारीखी इमारतों को नुकसान पहुंचाना या इसके डिज़ाइन को तब्दील करना कानूनन जुर्म है। आज जिस सड़क को हम जीटी रोड कहते हैं ये भी शेरशाह सूरी की ही तामीर करवाई हुई है। इसी सड़क पर बनाए गए कोस्ट मीनार आज भी कई जगहों पर वाक़े हैं। ये सड़क काबुल से होती हुई पेशावर, लाहौर, दिल्ली, बनारस और कलकत्ता से होते हुए ढाका तक जाती है। शेरशाह सूरी के ही दौर में इस सड़क के किनारे फलदार दरख्त लगवाए गए जिससे सैर व सियाहत को फरोग मिला। नीज़ इसी सड़क की बदौलत हकूमती दिफा मजबूत हुआ और तजारत को भी खातिर का फरोग मिला। शेरशाह सूरी ने ना सिर्फ अपनी हकूमत के लोगों के लिए मुख्तलिफ कानून बनाए बल्कि इन पर अमल दरामद करवाने के लिए बेहतरीन गवर्नर भी मुकर्रर किए। इसकी हकूमत में दरख्त काटने तक की सजा मुकर्रर थी।
इसके अलावा करेंसी का निज़ाम मुतारिफ करवाया और इसे रुपये का नाम दिया। शेरशाह सूरी ने ही बरे सगीर को मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया और इन सूबों को आगे ज़िलों में तकसीम करके इंतज़ामी अमूर को बेहतर बनाया। ज़मीन की पैमाइश के आलात और पैमाने भी शेरशाह सूरी ने ही मुतारिफ करवाए। अपनी रियाया के लिए सराय तामीर करवाई और इनकी हिफाजत के लिए मुतादद फौजी छावनियाँ बनवाई। इसके अलावा भी शेरशाह सूरी ने कई ऐसे काम किए जिससे पाको हिंद में तरक्की की मंजिलें तय की जा सकें, जो बाकी मुग़ल बादशाह ना कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शुएब मलिक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। मज़ीद मालूमात के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से बाखबर करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आने वाले दिनों में इस चैनल पर हम मज़ीद तारीखी इमारतों के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आप किसी ऐसी इमारत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर आगाह करें और इस चैनल को देखते रहें।